तो नाम अंदर आ सकता है ना, आ सकता है। हाँ ये अच्छा, आप भी टीचर हैं मैडम? यस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? एसएसटी। कितना मैडम, कितना है टीचर ये लिस्ट तो कितना है टोटल? कहाँ से देख लीजिए, देखिएगा ये क्लास सेवन में तो अभी तक पढ़ाया नहीं बोला है, कोई टीचर नहीं आया हुआ उसका तक तो। यहाँ से ना। जी जी, ये एक आदमी का है ना? हाँ, सीरियल नंबर टालो आसुं। यस। रत्ना कुमारी, फिर रत्ना कुमारी, रिमिक रिवा, ये आपका। हाँ। उसके बाद सुमती लोसंग ना, लोसंग। उसके बाद डियो टाइपोडिया एंड ओशी तकिन और कोमेक तकी चारू चुरू, सॉरी चारू, चारू है ना? yes. ये तो चुरू लिखा है, आप लोग स्पेलिंग गलत लिखा है, देखिए सी एच यू आर यू लिखा है, चुरू जेनी तबा टिटू क्रिस्टी प्रेमे। अच्छा, क्रिस्टी प्रेमे कालिंग बोडुंग ओबी दुपाक, बहुत टीचर है। गेयर बेंगिया दोपी गोमदीर ताजे सियोम दारी यासिंग ताकाम आशुम आसुम गोलो याजे। अच्छा, टोटल मिला के आप लोगों का स्कूल में 18 है टीचर। 18 टीचर में से आज हेड मास्टर आई है और आप, मतलब आपका नाम मैडम क्या था? और रिमिक, ओके ओके, रिमिक रिभा और हेड मास्टर आई है, मतलब और कोई नहीं आया अभी तक। ओह, लेकिन दिखाई नहीं दे, क्लास ले रहा होगा तब तो। ओह, मैडम का रूम में है। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तो मैडम, अभी मेरा घड़ी जो है 10:20 हो रहा है, अभी तो क्लास होना चाहिए तो ना। नहीं नहीं नहीं, ओह हम इंक्वायरी नहीं, मतलब क्लास तो अभी होना 10 शुरू हो जाता है ना मैडम? ये आप हेड को ना, हेड को आप ठीक 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 है, तो ये क्लास 8 है, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। अभी फर्स्ट क्लास किसका है? मैथ्स। कौन सा टीचर का है? सिंह सर, सियम सर आया है, सियम सर तो आया है। तो कितना बजे क्लास शुरू होता है? 10:45 से होता है, तो 10 क्लास नहीं होता है फर्स्ट क्लास? क्लास कितना, 10:45 से क्लास शुरू होता है, तो 10 से होकर के 10:45 तो होगा ना? तो आप बोल, कौन बोल रहा था अभी 10:45 से शुरू होगा, तब तो आधा दिन ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब अभी फर्स्ट क्लासेस होना चाहिए ना, क्योंकि आपका अभी समय हुआ है 10:20 हो गया, यानी 20 तक टीचर नहीं पहुंच रहा है अभी, मतलब टीचर आया है यहाँ पे? हाँ, मैं ऑफिस रूम में है, काम कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो लेकिन लेट तो हो गया ना। आप लोग कौन घड़ी पहना है, घड़ी? नहीं नहीं नहीं, वो हो जाएगा, आपका कौन कोई घड़ी लिया बहन? आपका घड़ी टाइम कितना हो बताओ? 10:19। चलो हम दोनों का 1-2 और, मेरा भी 20 हो गया अभी। और कौन घड़ी पहना है बताओ बहन? 10:19। और कितना हुआ आपका? 10:19। ओके, तो यहाँ देखता है ना, यहाँ भी 10:19 ना? हाँ, ये 10:19। लेकिन टीचर आया है, लेकिन इन लोगों को क्लास 8 ना, yes. अभी तक क्लास नहीं लिया जा रहा है। चलिए, थैंक यू। तो ये क्लास 5 है। अच्छा अच्छा, क्लास 5 ना। और फर्स्ट पीरियड क्या था आपका? इंग्लिश। टीचर आया है? मैडम आई है? टीचर पढ़ाती है या फिर मैडम पढ़ाती है या फिर टीचर पढ़ाता है? का फर्स्ट क्लास मैडम है या फिर सर? सर आया है? कहाँ है सर? नहीं आया, इंग्लिश सर नहीं आया ना। क्लास 5, स्कूल का नाम क्या है? सब लोग एक साथ बोलो, आईजी पार्क ना, आईजी पार्क। अच्छा, तो क्लास कितना बजे शुरू होता है आपका क्लास में? 10:00। घड़ी कौन पहना है? घड़ी तो बताओ बेटे, पहले बताओ, आप बताओ कितना समय कितना हुआ? कितना? 10:28। बेटी आपका बताओ? मेरा 10:26। हाँ देखा, आगे पीछे है ना घड़ी, फिर भी 10:26 ना, दो मिनट का डिफरेंस है, तो मेरा घड़ी देखता है ना किसका ठीक होता है। मेरा घड़ी जो आज तक से बराबर है, आज तक समझता है न्यूज़ का ना, तो मेरा घड़ी हुआ है 10:28।
ठीक है, हम दोनों का सेम है ना, चलो कोई बात नहीं, एक दो मिनट यहाँ इधर उधर हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पीरियड जो है कितना बजे तक मतलब ख़त्म होता है? हाँ वही तो, मतलब कितना मिनट लगता है? 10:45 ना। चलो फर्स्ट क्लास जो इनका 10:45 को ख़त्म होता है, लेकिन टीचर अभी तक यहाँ पर नहीं है ना, ये हमेशा होता है ना, आज हुआ है, झूठ मत बोलना ठीक है। झूठ अगर बोलेंगे ना, जब मैं फिर दोबारा जब आऊँगा ना, उस समय पकड़े जाओगे आप लोग। अभी मुझे बताओ कि ये हर समय होता है ना, कभी कभी होता है ऐसे ही, टीचर नहीं आकर के, मैडम नहीं आकर के, ऐसे होता है? दो तीन बार हुआ है। तो आप लोग इसका मेकअप कैसे करता है फिर? आज तो क्लासेस शायद सेकेंड क्लास भी नहीं होगा। सेकेंड क्लास कौन सा सब्जेक्ट का है? हिंदी का आया है टीचर? हाँ चलो एक बार जाके देखो, कोई एक निकलो यहाँ से जी। हाँ चलिए, पता पता के बताना मुझे, सेकंड पीरियड का आया है कि थर्ड पीरियड का आया, कौन सा पीरियड का आया बताना मुझे। चलो बेटी जा रहा है ठीक है, देखने चलिए पता पत। EVS का आया है। तो ये हमेशा होता है ना, कभी कभी होता है, कभी स्कूल जब से स्कूल स्टार्ट हुआ, इंग्लिश सर आना नहीं हुआ। तो स्कूल स्टार्ट हुए कितना दिन हुआ अभी? हाँ मैम पढ़ाता है वही तो, स्कूल स्टार्ट हुए कितना दिन हुआ अभी? लगभग जून को स्टार्ट हो रहा है, और जून को एक महीना चला गया है ना, ये तो जुलाई है ना, आज कितना तारीख है? 4 तारीख। चलो तब से मतलब आना जाना होता है, मतलब ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, मैडम पढ़ा रही है मतलब ना, उसके रिप्लेस। हाँ और सर नहीं आ रहा है, तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है? कुछ समझ में आता है? हाँ जाओ अभी बताओ बेटी, कौन कौन है टीचर? कोई नहीं है, EBS मैम सिर्फ है ना, नेक्स्ट का कोई नहीं है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। अच्छा से पढ़ना हाँ, चलो मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, चलो मैं आता हूँ। कौन सा क्लास है? हो जाएगा, कितना क्लास है? 4। वो अभी आप 4 में हैं, वाह इतना अच्छा है। तो क्लास 4 का क्लास कितना बजे शुरू होता है? हाँ 10 बजे। आपका क्या नाम है बेटी? हाँ अख्तर भोजे। क्लास कितना बजे शुरू होता है? 10 बजे। पसीना बहुत निकल रहा है अपना, गर्म लग रहा है। अच्छा बेटा कितना बजे शुरू होता है क्लास? 10 बजे। 10 बजे। ये स्कूल का नाम क्या है, आपका स्कूल का नाम? IG Park अपर प्राइमरी स्कूल। पर सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। टीचर है ना मैडम है? मैडम है। मैडम आई है, आपने देखा है? और आई है कहाँ में है, क्या नाम है? जी बेंगिया। अच्छा लेकिन क्लास नहीं ले रहा है अभी, वही तो क्लास अभी लेना चाहिए था है ना, क्योंकि 10 बज के ज़्यादा हो गया। आप लोग कौन घड़ी पहना है बताओ, घड़ी कौन पहना है? देखने आता है समय तो, समय बताओ भैया को, जोर से बोलो। 10:20 हो गया ना। और आप बेटी घड़ी कौन पहना? और बस एक ही पहना है स्कूल में क्लास में, तो इनका घड़ी आप देखने आता है? चलो उनका घड़ी को देखो, कितना टाइम हुआ देखो, आप बताओ, सामने जाओ, चलो चलो अच्छा से देखो। 10:21। हाँ 10:21 ना। तो क्लास जो है आपका 10 बजे शुरू होता है, कितना बजे फर्स्ट पीरियड कितना तक चलता है? आधा घंटा, मतलब 10:45 तक तो चलता होगा है ना, ठीक है। तो अभी समय तो चला गया ना आपका फर्स्ट क्लास यानी इंग्लिश ना, तो इंग्लिश आप लोगों ने मिस कर दिया, मतलब टीचर मैडम आई है लेकिन क्लास नहीं ले रहा अभी तक ना, नहीं आई है। ओ मेरा है गलत हो गया, ओ मेरा है, तो मैडम नहीं आई है ना, नहीं आई है। क्लास कैप्टन कौन है? ओ अच्छा अभी आप बताओ। मैडम आई है, ओ मैडम का रेड गाड़ी है मतलब ना, ओ मेरा है, हाँ तब तो मैडम नहीं आई है अभी तक। हाँ चलो, तो क्लास कितना बजे शुरू होता है? 10। कितना बजे छुट्टी, मतलब ये फर्स्ट पीरियड कितना बजे तक ये फर्स्ट पीरियड होता है? आधा घंटा ना। और अभी फर्स्ट पीरियड क्या सब्जेक्ट था आपका? इंग्लिश। लेकिन मैडम नहीं आई है, आप लोग इसे बैठे हुए हैं ना,
अच्छा समय अभी हुआ है, चलो लगभग 10:25 ये समय है, और ये बच्चे नन्ना मुन्ना बच्चे हैं जो मतलब आने वाला समय में हमारा सेठ को चलाएंगे, है ना ना। चलो ये लोग चलाएंगे अभी, ये वो तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आने वाला समय में अरुणाचल के फ्यूचर हैं। हमने इनसे बात की तो ये जो है दरअसल क्लास 4 है, तो क्लास 4 का बच्चे हैं, तो ये लोग अपना मैडम या फिर सार को वेट कर रहे हैं कि क्लास कब लेगा, मतलब टीचर आए नहीं या फिर मैडम आई नहीं है, ये लोग रुक रहा है। सरकारी स्कूल का ये हालत है, और मैं DC कैपिटल को ये बोलना चाहता हूँ, आप जो है जो सामने वाला स्कूल में विजिट करता है ना, उसके विजिट करने का वजह IG पार्क में आइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हकीकत क्या है। तो मुझे बहुत कंप्लेंट दिया गया था इस स्कूल को विजिट करने के लिए, तो मैं अभी विजिट किया हूँ। अभी समय हो चला है 10:25, अभी हम लोग क्लास 4 के जो कैप्टन है उनसे हम लोग बात करेंगे। बेटे आप खड़ी हो जाओ, आपने क्या नाम बताया? फातिर बोजे। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था आज? इंग्लिश। कितना बजे शुरू होता है? 10:00। और फर्स्ट पीरियड कितना घंटा तक, कितना मिनट तक चलता है? उसके कितना मिनट तक फर्स्ट पीरियड खत्म होता है? 10:45 ना, 10:45 या 10:30 हम लोग मान के चलता है। तो टीचर आज आई है, टीचर है या फिर मैडम है? मैडम है। आई है? नहीं ना, नहीं आई है। तो मतलब आप लोग ऐसे रुक रहा है टीचर को, चलिए ये है, आप अच्छा से पढ़ाई करो ठीक है। अगर मैडम नहीं भी आया तो आप लोग सभी लोग मैडम का सब्जेक्ट को खोल के पढ़ना ठीक है, किताब को खोल के पढ़ना। तो ये है, तो यहाँ आ करके बनाने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ से जो है जो DDC ऑफिस जो है ना, जो स्कूल एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकेंडरी हो हायर हो, यहाँ से 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है। और ये IG पार्क का अपर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए हैं या फिर मैडम अभी तक नहीं आई है, और ये बच्चे जो है टीचर मैडम को इंतज़ार कर रहा है, ये हालत है स्कूल का। चलो अब इसको हम किसको बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे या फिर स्कूल मैनेजमेंट टीम को बोलेंगे या फिर को बोलेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपसे मैडम हमको ये बताइए कि आपका फैकल्टीज कितना है ना, तो आज क्या बजा रहा होगा कि क्लासेस नहीं हो रहा है कुछ कुछ क्लास में, मैक्सिमम में तो क्लास ही नहीं चल रहा है आपका? फैकल्टीज जो है 18 है, पहले 20 था। तो अभी जिस क्लास में आप सर आप गया था जी, वहाँ का टीचर जो है वो उसी का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हो गया, इसलिए हम जाने ही वाला था। हाँ मैडम, 3 क्लास में गया, तीनों क्लास में पर सब्जेक्ट, हाँ तीनों में नहीं है। तो इस्टाफ रूम में होगा अभी तक नहीं? नहीं नहीं, इस्टाफ रूम में गए थे सिर्फ ये मैडम थी। अभी गया था ना मैडम, इस्टाफ रूम में आप सिर्फ थी ना, क्योंकि हमने तो वीडियो बनाया हुआ है। तो चलो आपका मैडम एक बात को तो माना कि जिस क्लास में, क्लास 7 में मैं गया था तो उसका ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन 3 क्लास जहां मैं गया पास पीरियड नहीं चल रहा, उनका बोलना है कि बच्चे का बोलना है कि टीचर ही नहीं पहुँचा या फिर मैडम ही नहीं पहुँचा। और अभी आप समय देख सकता है सारे, आपका मैडम टीचर लोग शायद अभी आ रहा है क्या, ये गाड़ी शायद ये अभी आ रहा है लोग ना, तो ये भी दिखाना ज़रूरी है, बाद में बोल सकता है कि हमने बना दिया। ये देखिए ये सरकारी कोई, ये सरकारी गाड़ी है, ये किसका गाड़ी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये सरकारी गाड़ी है। ये आप ये देख, मैं गाड़ी को भी पूछ लेता हूँ किसका गाड़ी है। हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, वैसे ये गाड़ी किसका है, डिपार्टमेंट का, कौन सा मेडिकल से पूछते हो? वही तो, कौन सा डिपार्टमेंट का है ये? हाँ ये स्कूल के लिए यूज हो रहा है ना, किसके लिए? हम ऑफिस जा रहा है। और कौन सा डिपार्टमेंट का है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम तो जस्ट मिसेस को पहुंचाने आए। वही तो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गाड़ी को अभी यहाँ यूज कर रहा है? नहीं नहीं, हम भी ऑफिस जा रहे हैं। सरकारी गाड़ी है क्या ये? अरे वो देखना नहीं है, कोई भी हो ना, हमको लेना देना नहीं है। हाँ ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी। तो सरकारी गाड़ी को आप यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? हम ऑफिस जा रहे हैं, इसको ड्रॉप करके। आप कौन सा ऑफिसर हो? हम अकाउंट्स ऑफिसर है। अकाउंट्स ऑफिसर, कौन सा कहाँ ऑफिस कहाँ है आपका? हम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो दो होटल का सामने बैठे, तो नहीं कहीं भी बैठो, हमको लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो है मैडम को यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, गलत काम है ना, ये तो सरकारी गाड़ी है ना। हम इसको ड्रॉप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है गाड़ी। हाँ चलो, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गाड़ी है, ऊपर से मैडम को लेट पहुँचाई है, और ये जो है सरकारी गाड़ी जो है ना, ये मैडम वगैरह को पहुँचाने का काम करता है। ये सबसे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और समय अभी भी देखिए आप, समय हुआ है 10:35। तो ये सबाई साहब जो है अपना मिसेस को या छोड़ने, ऐसा मिसेस है या फिर हमको तो आइडिया नहीं है, फिर छोड़ने आई है, ये गाड़ी जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये काम होता है, यह आप देख सकते हैं, ये जो भी चाहिए सर, ये गाड़ी को देख लेना, ये देख लो, ये सरकारी गाड़ी है, इस प्रकार इस्तेमाल करता है। अभी शायद हमको लगता है कि जो यहाँ का इंचार्ज है ना, फ़ोन कर दिया हुआ, सब जो पता पता अभी पहुँच रहा है,
एक तो फॉर्चुनर आया है अभी अभी, और ये अभी सरकारी एक स्कूल है जो गाड़ी है जो भरना है वो भी पहुंचा। और मैडम ने मुझे कहा कि तीनों एक क्लास जहाँ पे घुसा था उसका जो है ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन मैं तीन क्लास जहाँ गया हूँ टीचर या फिर मैडम नहीं है। यहाँ पर सरासर ये लोग झूठ बोल रहा है। और 18 टीचर में से आप समझ के देखिए, 18 टीचर में से अभी जब मैं आया था उस समय बस 3 टीचर मौजूद थे। चलिए मैडम, आप कैसे क्लैरिफाई करना चाहता है इसको लेकर के कि ये तो आप लोग का स्कूल जो है कैपिटल में है जी। तो कैपिटल में है इस प्रकार का हालत होगा, और 18 टीचर तो मामूली नहीं होता है। कई कई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर से स्कूल को चलाना पड़ता है। हमारा, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, मेरा पालिन में बस्ती में ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक टीचर जो है 5-5 क्लास को पढ़ाता है। तो आपका यहाँ पे 18 टीचर है मैडम है मिला, हाँ मिला के, तो ऐसे में मतलब समय में नहीं पहुँचना, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ठीक है सर, वो मॉर्निंग शिफ्ट भी होता है तो उसमें बाकी का टीचर उसमें आया था जी, जी, क्लास 3 तक मॉर्निंग शिफ्ट फिर प्राइमरी लेकर के 4 तो बाकी का टीचर वहाँ मॉर्निंग को जाता है जी, जी, यहाँ लगा। अच्छा अच्छा, तो उन लोग का तो क्लास 9:30 को ओवर हो जाते हैं, हम लोग का 9:40 से शुरू होता है। तो ऐसा हो के अभी बाकी तो बच्चे लोग तो बोल रहे हैं 10 को शुरू हो जाता है, बोला है 9:30 को शुरू हो जाता है तब तो क्लास। 9:30 को उन लोग, नहीं नहीं क्लास उन लोग मॉर्निंग शिफ्ट वाला 9:30 में ओवर हो जाता ओके, है ओके। 10:40 हम लोग का असेंबली होता है, उसके बाद हम लोग का क्लास। ये मतलब मॉर्निंग मतलब ये जो 9 बजे शिफ्ट वाला जो ना क्लास, तो लेकिन 10 बजे शुरू होता है मैडम एग्जैक्ट पीरियड जो। तो आज मतलब मैक्सिमम क्लास में टीचर नहीं देखा गया, इसका क्या रीजन हो सकता है? उसका तो एक दो रिया मैडम का मेजर ट्रांसफर हो गया, आलोक ट्रांसफर हो गया जी, जी, कुछ दिन पहले 27 को हम रिलीज दे दिए, इसलिए उसके डिलीवर अभी तक नहीं पहुंचे। नहीं मैडम, एक्चुअली मेरे पास कुछ सबूत है मतलब ना, ये स्कूल को लेकर बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था, इसलिए मैंने अचानक पहुंचा कि यहाँ में बच्चों का जो है फ्यूचर जो है खराब हो रहा है। क्यों, रीजन क्या है कि टीचर जो है समय पे नहीं पहुंचता है, इस रीजन से मैं आज, क्योंकि मैं यहाँ न्यूज़ बनाने का कोई चक्कर में नहीं आया हूँ एक्चुअली बोला जो, मैं ऐसे देखने के लिए आया था, लेकिन वही जो शिकायत था वही पाया गया। तो ये एक मैं एज अपना यहाँ का सिटीजन होने के नाते मैं भी एक यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है। अभी भी कोई टीचर आया है, अभी जस्ट पहुंचा है, ऐसा है तो समय नहीं है। तो मैडम जितना भी मैडम लोग है तो बाल बच्चा वाला है, कभी कभी किसी का हाँ, पड़ जाता है नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल लेट से पहुंचता है कभी, लेकिन पहुंचता जरूर है, पहुंचने से जरूर ड्यूटी करता है, वो तो बात पक्का है। तो फैमिली वाला है तो फैमिली वाला है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी होता है उनका, तो क्या है कि अभी पहुंच रहा है कुछ भी, लेकिन क्लास पक्का लेगा। तो हम लोग तो प्रेयर तो सुबह हम लोग करा लेते हैं, कभी प्रेयर मिस नहीं होता है, प्रेयर जैसे भी कराते तो मैडम लोग कुछ कुछ आ नहीं पाता है समय पर, तो उसका तो क्या करेगा फैमिली। हम लोग खुद, हम भी एक फैमिली वाला है तो हम लोग समझ सकते हैं, छोटा छोटा बच्चा वाला का। कभी कभी डीसी साहब यहाँ पहुँचे हैं अभी तक? डीसी सर तो ये आपका स्कूल का सामने में इंक्रोचमेंट बहुत प्रॉब्लम है, हम देखते हैं सर, हम यहाँ आके अभी जुलाई का 21 को ही हम 2 साल होगा, उससे पहले ही ये लेकिन गलत तो हुए मतलब गलत तो लग रहा है आप, क्योंकि आप तो अभी नए आए हैं, लेकिन पहले जो भी किया होगा गलत तो किया है स्कूल, क्योंकि सांस लेने का जगह नहीं आपका स्कूल। सुनने में आया था कि ये तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक हुआ, तो उसको होते होते पता नहीं एक दूसरा को भी दूसरों को ऐसे हो गया हुआ है बोला ऐसे, मतलब वो हम मेरा सिर्फ कोई सुनने वाला था। आप आने से पहले कोई यहाँ का इंचार्ज आपको कुछ कागज देके गया होगा कि इसको कंप्लेन किया होगा, कुछ ऐसे है कागज? ऐसे तो कुछ कंप्लेन हमको दिखाई नहीं दिया, अच्छा ऐसे कुछ कंप्लेन। चलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत बेहतर टीचर लोग यहाँ पर मौजूद है, तो हमारे बच्चों को खास करना जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, रुक रहा है बहुत लोग कि टीचर मैडम सर जो कब पहुँचेगा हम लोग को पढ़ाने के लिए। हम ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में आप लोग जो है अपना ड्यूटी तो निभा रहे, कोई दाउद नहीं, लेकिन समय पर आ करके फंक्शन हो करके बच्चों को सही भविष्य देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। एकदम सर, आप जो बच्चा से सच्चाई तो बच्चा ही बताएगा जी, जी बच्चा से ही इंटरेक्ट करना जी, चाहिए जी, कर लिया जो भी लोग मतलब जो हायर अथॉरिटी लोग आता है वो लोग भी हम लोग से बातें नहीं करना है, बिल्कुल ही इंटरेक्ट करके सच्चाई पता चलना है, तभी हम लोग का थोड़ा एजुकेशन में सुधार जी, बिल्कुल। थैंक यू मैडम आपसे बात करने के लिए।